सोनपुर पहलेजा घाट स्थित दक्षिण वाहिनी गंगा का जल लेकर रविवार को करीब 1 से 1.5 लाख डाक बम बाबा नगरी गरीबनाथ धाम के लिए रवाना होने का सिलसिला जो दोपहर से जारी हुआ वह रात करीब 8 बजे तक जारी रहा। दोपहर बाद से ही हजारों डाक कांवरियों का जत्था लगातार सूबे की सबसे लंबी कांवर यात्रा पर निकल रहे हैं। पहलेजा से लेकर सोनपुर एवं हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 कांवरिया पथ कांवरियों के गेरुआ रंग से रंग गया है। इसके अलावा दभैच स्थित बाबा दर्वेश्वरनाथ धाम व अन्य शिवालयों के लिए करीब 1 लाख डाक कांवरियों ने पहलेजा घाट से जल उठाया है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 77 के साथ हाजीपुर महुआ रोड में डाक कांवरियों का तांता लगा हुआ है। वैशाली व सारण का प्रशासनिक अमला पुलिस जवान बेसुमार कांवरियों की भीड़ के साथ उन्हें लेकर आने वाले वाहनों के क्यू को संभालने में लगे हुए हैं। राजधानी से सटे मध्य बिहार के साथ ही उत्तर बिहार के समस्त दूर दराज जिलों के कांवरियों के पहलेजा घाट पहुंचने का सिलसिला शनिवार की रात से ही शुरू हो गया था। पहले की तुलना में दूसरी सोमवारी के लिए कांवर यात्रा पर निकलने वाले डाक कांवरियों की भीड़ 4 गुना से भी अधिक रही। शुक्रवार को भी करीब 2 लाख लोकल कांवरियों ने पहलेजा से जल उठाया था। दूसरी सोमवारी के लिए निकलने वाले कांवरियों की रिकॉर्ड भीड़ का कारण तीसरे व चौथे सोमवारी के दौरान पड़ने वाला पर्व त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस, काली पूजा, हनुमान जी का पूजन व ध्वजारोहण पर्व, कुल देवता की पूजा समेत कई पर्व त्योहार पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए हर साल कांवर यात्रा पर जाने वाले भक्त श्रद्धालु दूसरी सोमवारी को ही बाबा का अनुग्रह पाने के लिए कांवर यात्रा पर निकल रहे हैं। डाक कांवरियों की सेवा करती महिला आरक्षी। डाक कांवरियों के लिए मौसम का रुख नरम। दूसरी सोमवारी को बाबा का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेने पहुंचे डाक कांवरियों पर मौसम मेहरबान रहा। रात में अच्छी खासी बारिश हो गई थी, पूरे दिन आसमान में बादल छाया रहा। दिन में कई बार धूप निकला पर वह तलक नहीं था। धूप होने पर भी पक्की सड़क पैदल चलने लायक था। धूप ढलने का इंतजार किए बगैर डाक कांवरिया रात का खाना खाकर यात्रा की तैयारी में जुट गए। दोपहर बाद से ही कांवरियों के यात्रा पर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ वह रात 9-10 बजे तक जारी रहा। हाजीपुर शहर के अजानी पीर चौक पर जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डाक कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला के दूसरे रविवार को एसोसिएशन के सदस्यों ने नींबू पानी, बिस्किट, ठंडा जल व शरबत, सेब, केला व दवा वितरण कर भक्तिभाव से डाक कांवरियों की सेवा किया। वहीं बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य सनातन धर्म के पावन महीने में मुजफ्फरपुर गरीब स्थान जल चढ़ाने वाले कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान भाजपा नेता गोपाल शर्मा, रंजन सिंह, नीसु कुमार, चंद्र सिंह, संतोष कुमार, सुभाष कुमार आदि थे। पूरे सावन माह में शुक्रवार से रविवार तक पहलेजा घाट पर विहंगम नजारा होता है। घाट का कोई भी कोना कांवरियों से खाली नहीं होता। कई कांवरिया घर से लाए खाना खाते, विश्राम करते, वही गंगा घाट पर नहाते, सामूहिक रूप से पूजा करते, जल संकल्प करा लेने के बाद अपनी मंजिल बाबा नगरी की ओर सरपट भागते, ऐसे कई दृश्य देखने लायक होते हैं। घाट पर जल संकल्प पूजा कराने वाले पंडित पुरोहितों के लिए मारामारी की स्थिति होती है। ये करार 100 बीमार वाली स्थिति है। गंगा जल भरने आने वाले बम की संख्या लाखों में होती है और पंडित कुछ हजार ही है। हालांकि सोनपुर अनुमंडल क्षेत्र के हजारों असली नकली पंडितों ने डेरा जमा रखा है। संकल्प मंत्र याद कर लेने वाले गैर पंडित भी टीका चंदन लगा पूजा संकल्प करा रहे हैं। पूजा क्या खाना पूरी ही होती है। यजमान बम नहा जल लेकर खड़े हुए नहीं कि पंडित जी बुलेट ट्रेन की तरह मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं। कुछ सेकंड में ही पंडित जी कह देते हैं यजमान पूजा हो गया, दक्षिणा कितना पढ़ाऊं यजमान। लालगंज में झांकी की प्रस्तुति देते कलाकार। बाबा के दरबार में हाजिरी देने वाले सभी बाबा के भक्त केवल और केवल बम होते हैं। गरीब अमीर, ऊंच नीच आदि का भेदभाव मिट जाता है। घाट पर आने से लेकर बाबा के दरबार में पहुंचने तक सभी बम होते हैं। सोते जागते चलते हर क्षण बम का उच्चारण। कोई परिचित भी मिल जाए तो नाम लेने की जरूरत नहीं, बम कहकर संबोधन होता है। पहलेजा गंगा जल के लिए आने वाले डाक व लोकल कांवरिया यहाँ के लोगों को बहुत कुछ देकर जाते हैं। कांवरिया घर से चाहे लाख तैयारी कराए, यहाँ कुछ ना कुछ खरीद फरोख्त करना ही पड़ जाता है। दूध पीते बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कुछ ना कुछ भेजते नजर आएंगे। पहलेजा में कदम रखते ही खासकर छोटे छोटे बच्चे बम के पीछे पड़ जाते हैं। हाजीपुर से बिहार प्लस की रिपोर्ट।